राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में पीएम मोदी के साथ 5 लोग मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मूर्ति की आंखों से पट्टी जिस समय हटाई जाएगी उस वक्त गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पीएम के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। एक मुख्य आचार्य भी मौजूद रहेंगे। भगवान रामलला की अचल प्रतिमा की आंख की पट्टी पीएम मोदी ही खोलेंगे और भगवान की प्रतिमा को सबसे पहले आईना दिखाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोने के सिक्के से रामलला को काजल लगाया जाएगा और भगवान राम की पहली महाआरती पीएम मोदी करेंगे। तो ये 5 लोग मौजूद रहेंगे गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और इसके साथ ही सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी अयोध्या राम मंदिर के मौजूद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। तो पहले मूर्ति से की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और प्रधानमंत्री ही ये कार्य करेंगे जो मुख्य आचार्य मौजूद रहने वाले हैं। मुख्य पुजारी उस वक्त मौजूद रहेंगे वो सत्येंद्र दास हैं, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी। तो ये 5 लोग हैं जो गर्भगृह में उस वक्त मौजूद होंगे। भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए है तैयार, अब बस राम के आने का है इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी हो रही है तैयारी, अवध में जल्द विराजेंगे अवध बिहारी। अवध नगरी अपने राजा के स्वागत के लिए तैयार है। 22 तारीख को राजा राम के मंदिर में विराजने का हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार है। बाईस तारीख को जब भगवान श्री राम मंदिर में आएंगे, ढोल और नगाड़े बजाए जाएंगे, राम भक्त जयकारा लगाएंगे, राजा राम अयोध्या में बस जाएंगे। तर चुके हैं ये पत्थर जो राम के काम आ रहे हैं, तर गई है अयोध्या नगरी क्योंकि राम आ रहे हैं। जश्न की तैयारी है, अब राजा राम के मंदिर में विराजने की बारी है। राम भक्तों को जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आने ही वाली है। अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या, इसका महत्व क्या है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास बताते हैं कि रामानंदी परंपरा के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जितनी राशियां हैं सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना होता है, उसके बाद मंगलाचरण होता है, ये सब करने के बाद में तब उस मूर्ति को शुद्धिकरण के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है उसको जल में अधिवास देना पड़ता है, उसको अन्न में अधिवास देना पड़ता है, मैंने रखा जाता है उसी में, उसमें फूल में रखना पड़ता है, औषध में रखना पड़ता है, और इस तरह से कई प्रक्रिया होती हैं। वो पूरा होने के बाद में तब उसके बाद में उसमें अच्छी प्रकार से
व्यवस्थित करके प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र जपा जाता है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में बहुत ही कम लोगों को रहने की इजाजत होगी। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में जिस वक्त मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, तब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे। महंत सत्येंद्र दास के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राम नंदी परंपरा के मुताबिक होगी, जिसमें सबसे पहले रामलला को नगर भ्रमण कराया जाएगा, फिर सरयू के जल और दूध से स्नान कराया जाएगा और स्नान के बाद रामलला का विधि विधान से श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही 16 प्रकार की पूजन विधि को भी सम्मिलित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की राजभोग आरती की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला लोगों को दर्शन देंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया वेदों के हिसाब से ही होगी। किन प्रकार से उस वेद के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा का आह्वान करते हैं, उस भगवान राम का आह्वान करेंगे। राम की प्रतिमा है, ये राम का आह्वान करेंगे कि प्रभु आप अपने पूरी शक्ति के साथ इस प्रतिमा में विराजमान हो और भक्तों का कल्याण करें। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। प्राण प्रतिष्ठा के समय कई दूसरे आचार्य भी मौजूद रहेंगे। आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई हैं। काशी के 21 विद्वान भी मौजूद रहेंगे, जो विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह का पर्दा बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति से पट्टी हटाई जाएगी। जब पट्टी हटेगी तब मूर्ति को आईना दिखाया जाएगा, जिससे कि भगवान सबसे पहले खुद अपना चेहरा देखें। भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या नगरी पहुंचे थे और 14 तारीख से ही रामलला परिसर के अंदर और बाहर लगातार हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। इतना ही नहीं, अयोध्या के लोग भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले हवन पूजन करेंगे और 22 तारीख को भगवान श्री राम का उसी तरह से स्वागत होगा जैसे जब वो 14 साल वनवास काट कर आए थे तब किया गया था। सैलाब सूख जाएगा, भूकंप भी झकझोर नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी आपदा राम मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि राम मंदिर को न सिर्फ भूकंप रोधी बनाया गया है, बल्कि मंदिर के चारों ओर इतनी मजबूत दीवार खड़ी की गई है जो पानी के बहाव को मंदिर को छूने तक नहीं देगी। नींव से लेकर उसका फर्श और 400 खंभे राम मंदिर को शक्तिशाली नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना देते हैं। भव्य, शानदार, विराट, विशाल राम मंदिर को देखकर मुंह से यही शब्द निकलते हैं। राम मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर उसका निर्माण कार्य ही मन मोह लेता है। पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट तक फैले हुए, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 268 फीट चौड़े और 161 फीट की ऊंचाई छूते राम मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन राम मंदिर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद शक्तिशाली भी है। इतना शक्तिशाली कि 100 नहीं बल्कि वो 1000 साल तक टिका रहेगा। पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, 1000 साल तक राम मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आएगी।
आंधी तूफान तो छोटी मोटी बात है, सैलाब आ जाए या सुनामी, धरती के अंदर उथल पुथल मच जाए, राम मंदिर का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई आपदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आईआईटी से लेकर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के ढांचे को डिजाइन ही इस तरह से किया है। ये अर्थक्वेक का है, जो इसके अंदर अगर हम आईएस कोड देखेंगे जोन नंबर 3 में वैसे आता है, जोन नंबर 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें सीबीआरआई रुड़की है, जो पूरा इंडिया में आपको नाम सुना ही होगा, वो उसको वेटेड कर रहा है, उसके लिए उसने पूरे डिजाइन को वेटेड करा है फाउंडेशन के। भारत को सबसे कम से सबसे ज्यादा खतरनाक के क्रम में 4 साइज्मिक जोन में बांटा गया है। शुरुआत होती है जोन 2 से, जहां भूकंप आने का खतरा सबसे कम है। उसके बाद आते हैं जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 3 में भूकंप के हल्के से थोड़े तेज झटके आ सकते हैं। अयोध्या शहर इसी जोन में आता है, मगर राम मंदिर को जोन 4 के हिसाब से बनाया जा रहा है, जहां भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा है। यानी बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, राम मंदिर कांपेगा तक नहीं। नीचे की ओर पूरा कंक्रीट भरा गया, एक रॉक सा खड़ा है, और चारों ओर मंदिर के यहाँ पे वॉल खड़ी की गई है 14 मीटर की ऊंचाई की है, जो 8 मीटर नीचे है और 6 मीटर ऊपर है। ऐसी वॉल जो नदी का कितना भी बहाव हो उसको तोड़ नहीं पाएगी। भूकंप होने के बावजूद भी यहाँ पे मंदिर के जो खंभे हैं उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस किया गया है, और CBRI ने सर्टिफिकेट दिया है कि 1000 साल के लिए वो टिकेगा। तो हम यकीन और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि 1000 साल तक मंदिर टिकेगा। राम मंदिर में कुल 400 खंभे हैं, जो मंदिर को भूकंप के झटकों में एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं देंगे। राम मंदिर में ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत मजबूत होता है। ग्रेनाइट खराब नहीं होता और उसे पानी का रिसना भी मुश्किल है, वो तेज से तेज दबाव सह लेता है। इसी वजह से उसकी गिनती दुनिया में निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मजबूत मटेरियल में होती है। ऐसे शानदार और दमदार राम मंदिर में राम लला विराजेंगे। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और खुद ग्रहों के राजा सूर्य देव उनका तिलक करेंगे। सीबीआरआई रुड़की ने और अपने बैंगलोर से और हैदराबाद से कुछ उनके डिजाइनर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो उनको डिजाइन करा है। सूर्य की किरण को वो एक पाइप के अंदर से मिरर रिफ्लेक्शन को जो उन्होंने एंगल देके लेकर आएंगे, वो मिरर रिफ्लेक्शन हमारा गर्भगृह के सेंटर के दरवाजे पर रहेगा। उससे वो रामलला के आपके ललाट के ऊपर साल में एक बार कुछ मिनटों के लिए वो दिखाई देगा रामनवमी के दिन। अच्छा, उसे सूर्य तिलक करना, उसको सूर्य तिलक करना। राम मंदिर वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। पिछले करीब 500 साल में ऐसा निर्माण नहीं हुआ है, और जब राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। शानदार, विराट, विशाल राम मंदिर को देखकर मुंह से यही शब्द निकलते हैं। राम मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर उसका निर्माण कार्य ही मन मोह लेता है। पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट तक फैले हुए, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 268 फीट चौड़े और 161 फीट की ऊंचाई छूते राम मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन राम मंदिर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद शक्तिशाली भी है। इतना शक्तिशाली कि 100 नहीं बल्कि वो 1000 साल तक टिका रहेगा।
पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, 1000 साल तक राम मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आएगी। आंधी तूफान तो छोटी मोटी बात है, सैलाब आ जाए या सुनामी, धरती के अंदर उथल पुथल मच जाए, राम मंदिर का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई आपदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आईआईटी से लेकर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के ढांचे को डिजाइन ही इस तरह से किया है। ये अर्थक्वेक का है, जो इसके अंदर अगर हम आईएस कोड देखेंगे जोन नंबर 3 में वैसे आता है, जोन नंबर 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें सीबीआरआई रुड़की है, जो पूरा इंडिया में आपको नाम सुना ही होगा, वो उसको वेटेड कर रहा है, उसके लिए उसने पूरे डिजाइन को वेटेड करा है फाउंडेशन के। भारत को सबसे कम से सबसे ज्यादा खतरनाक के क्रम में 4 साइज्मिक जोन में बांटा गया है। शुरुआत होती है जोन 2 से, जहां भूकंप आने का खतरा सबसे कम है। उसके बाद आते हैं जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 3 में भूकंप के हल्के से थोड़े तेज झटके आ सकते हैं। अयोध्या शहर इसी जोन में आता है, मगर राम मंदिर को जोन 4 के हिसाब से बनाया जा रहा है, जहां भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा है। यानी बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, राम मंदिर कांपेगा तक नहीं। नीचे की ओर पूरा कंक्रीट भरा गया है, एक रॉक सा खड़ा है, और चारों ओर मंदिर के यहाँ पे वॉल खड़ी की गई है 14 मीटर की ऊंचाई की है, जो 8 मीटर नीचे है और 6 मीटर ऊपर है। ऐसी वॉल जो नदी का कितना भी बहाव हो उसको तोड़ नहीं पाएगी। भूकंप होने के बावजूद भी यहाँ पे मंदिर के जो खंभे हैं उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस किया गया है, और CBR ने सर्टिफिकेट दिया है कि 1000 साल के लिए वो टिकेगा। तो हम यकीन और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि 1000 साल तक मंदिर टिकेगा। राम मंदिर में कुल 400 खंभे हैं, जो मंदिर को भूकंप के झटकों में एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं देंगे। राम मंदिर में ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत मजबूत होता है। ग्रेनाइट खराब नहीं होता और उसे पानी का रिसना भी मुश्किल है, वो तेज से तेज दबाव सह लेता है। इसी वजह से उसकी गिनती दुनिया में निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मजबूत मटेरियल में होती है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।